देखो बच्चों, टॉपिक है हमारा वो है ईमेल। ईमेल बताया था कि मैंने, ईमेल जो है एक लेटर का ही पार्ट है। इसका है बच्चों, ये लेटर का ही पार्ट है, यानी इसको ईमेल लेटर ही हम लोग बोलते हैं। तो ईमेल लेटर में क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक बॉक्स में लिखा जाता है, एक बना के बनाया भी था मैंने आपको पहले जब बताया जब। तो देखो बच्चों, इसमें हम थोड़ा सा एक स्कूल से रिलेटेड हम इसमें लिख रहे हैं। तो स्कूल में कोई चीज़ की परमिशन लेना है या स्कूल में कोई चीज़ नहीं है, समझ रहे ना। यानी ईमेल लेटर जो लिख रहे हो किससे रिलेटेड, स्कूल से रिलेटेड हम लिख रहे हैं। तो देखिए, आज का हमारा जो टॉपिक है उसमें मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। सबसे पहले देखिए, मैंने लिखा यू आर राम, यू आर राम कैप्टन थोड़ा चेंज है, अलग है, कैप्टन फुटबॉल टीम। कैप्टन फुटबॉल टीम ऑफ योर स्कूल, भाई तुम राम हो और फुटबॉल टीम के कप्तान हो अपने स्कूल में। योर टीम वांट टू प्ले, वांट टू प्ले ए फ्रेंडली, ए फ्रेंडली फुटबॉल मैच फुटबॉल मैच विद गवर्नमेंट स्कूल, विद गवर्नमेंट स्कूल सोडाला। ठीक है, कंपोज एन ईमेल, एन ईमेल टू बी सेंट टू योर हेडमास्टर, हेडमास्टर फॉर गेटिंग, फॉर गेटिंग द परमिशन, द परमिशन फॉर द सेम। देखो बच्चों, क्वेश्चन आपको लिखवाना जरूरी है, कि बिना क्वेश्चन तो फॉर्मेट्स बहुत सारे बताता हूँ, बट विद क्वेश्चन हम कैसे यूज करें। तो पता है, नाम आ गया, कैप्टन आ गए हैं, फुटबॉल टीम के कैप्टन हो, स्कूल में जो एक फ्रेंडली मैच खेलना चाहते हो उसकी परमिशन आपको हेडमास्टर से लेनी है, समझ गए होंगे। देखिए, सबसे पहले उसी तरह से हम लोग आउटलाइन तैयार कर लेंगे इसकी, मतलब एक बॉक्स बना लेंगे पहले, तो लास्ट तक ही आ जाएगा क्योंकि बड़ा ही बनेगा ये भी। देखो बच्चों, उसके बाद वन टू थ्री एंड फोर, ओके ऐसे ही बनाते हैं हम लोग। ये मैंने ले लिया जो सीधा का सीधा, ये लाइन लास्ट तक ही जाती है। तो देखिए, पहले आपको लिखना है तो हमेशा टू सी सी बी सी सी एंड द सब्जेक्ट। ठीक है, टू में हमें लिखना होता है एड्रेस, तो मैंने लिखा GSS, जैसा कि बताया था, जयपुर एट द रेट gmail.com। ओके बच्चों, और यहाँ पर कर देंगे फॉर गेटिंग, जो क्वेश्चन में भी दे रखा है यहाँ पर, फॉर गेटिंग द परमिशन, ठीक है ना। हाँ, फॉर गेटिंग परमिशन, परमिशन टू प्ले फ्रेंडली मैच, टू प्ले ए फ्रेंडली मैच, फ्रेंडली फुटबॉल मैच कर दो, फ्रेंडली मैच कर दो। ओके बच्चों, तो देखिए अब बनाता हूँ मैं इसको, समझिएगा ध्यान से, वही तरीका है। डियर सर, डियर सर, हाँ DER मत कर देना बच्चों, DER अलग होता है, समझ गए ना। यस,
तो देखिए रेस्पेक्टफुली हम हमेशा लिखते हैं रेस्पेक्टफुली आई विल टू से दैट, या रेस्पेक्टफुली से हम जो क्वेश्चन बनाते हैं हमने पहले ही बनाए हैं। तो इसमें चाहे तो अलग भी कर सकते हैं, चाहे तो रेस्पेक्टफुली से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे रेस्पेक्टफुली, रेस्पेक्टफुली आई एम द कैप्टन ऑफ द फुटबॉल टीम ऑफ आवर स्कूल We want to play a friendly football match with द टीम। जो क्वेश्चन में हमने लिखा था कि कहाँ की स्कूल टीम थी, वो सोडला की थी, गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल थी, गवर्नमेंट स्कूल टीम थी वहाँ की। तो हम क्या करेंगे, उसके अंदर ही वो नाम डाल देंगे, भाई हम चाहते हैं खेलना फ्रेंडली फुटबॉल मैच, चाहते हैं किसके साथ खेलना चाहते हैं उसका नाम डाल देंगे, टीम ऑफ गवर्नमेंट स्कूल सोडला, ठीक है ना। On the coming Sunday, भाई कब खेलना चाहते हो उसके साथ दे सकते हैं। On the कहाँ पर खेलना चाहते हो, On the ground, of our school, यानी हम स्कूल से हेडमास्टर को ये लिख रहे हैं कि हम इस मैच जो है सोडला स्कूल के साथ खेलना चाहते हैं, वो भी हमारे स्कूल के ग्राउंड में। तो यहाँ पर लिखते हैं काइंडली, परमिट अस टू प्ले द मैच आई, देखो यहाँ पर कर रहा है ऑन द बिहाफ, डिक्लेरेशन टाइप का होता है, ऑफ माई टीम, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ मैं इसकी, ऑफ माई टीम जिम्मेदारी ले रहा है, अश्योर यू, मैं विश्वास दिलाएंगे कभी कोई गड़बड़ नहीं है उसके लिए, तो अश्योर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ यू दैट we will play, in a discipline, discipline भी कर सकते हैं, disciplined way, भाई हम अच्छे तरीके से खेलें गेम को, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसके, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, कैप्टन बोल रहा है खुद, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, लास्ट में बोल देंगे आई इनवाइट यू, एंड द स्टाफ, भाई सबको रखेंगे ना साथ में, स्टाफ टू एन्जॉय द मैच थैंकिंग यू देखो बच्चों ज़्यादा बड़ा नहीं बनाया मैंने ये, इतने जितने मार्क्स का होता है उसके अकॉर्डिंग थैंक यू के बाद में काम कर देंगे, योर्स ओबीडियंटली NTLY, योर्स ओबीडियंटली, और अपना नाम आ जाएगा राम।
देखो बच्चों, समझा देता हूँ मैं एक बार आपको। क्वेश्चन में कहा है कि आप कैप्टन हैं अपनी स्कूल की टीम के, ठीक है, कैप्टन हैं और स्कूल की टीम के कैप्टन हैं, और जो है आप चाहते हैं कि फ्रेंडली फुटबॉल मैच खेला जाए, सो सोटला स्कूल है गवर्नमेंट स्कूल उसके साथ में, तो उसके लिए क्या है आपको अपने हेडमास्टर से जो है परमिशन लेनी है, और परमिशन के लिए आपने जो है ये ईमेल लेटर लिखना है। तो देखिए, सबसे पहले आप ईमेल लेटर लिखेंगे तो अपनी स्कूल का जो ईमेल एड्रेस है वो लिखेंगे CC2 के अंदर, CC जो खाली छोड़ देंगे, समझ गए होंगे। अब क्या होगा बच्चों, सब्जेक्ट में टू गेटिंग परमिशन टू प्ले फ्रेंडली मैच, साथ में डाल सकते हैं फुटबॉल फ्रेंडली मैच वगैरह वो आप ऐड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। देखिए, रेस्पेक्टफुली आई एम द कैप्टन ऑफ माई ऑफ द स्कूल ऑफ फुटबॉल टीम ऑफ आवर स्कूल, बता रहे हैं कि हमारे स्कूल जो फुटबॉल टीम है उसका मैं कप्तान हूँ। स्कूल के प्रिंसिपल को ये बात बताना जरूरी है कि आप लिखने वाले कौन हैं, आपका होता क्या है, ठीक है ना। उसके बाद वी वांट टू प्ले फ्रेंडली फुटबॉल मैच विद द टीम ऑफ गवर्नमेंट स्कूल सोडला, भाई हम यहाँ की टीमों से खेलना चाहते हैं ऑन कमिंग संडे के दिन ऑन द ग्राउंड ऑफ आवर स्कूल, हमारे स्कूल के ग्राउंड में ही, भाई वहाँ से उन्होंने परमिशन ले ली होगी इसलिए हम खेलना चाहते हैं। तो क्या कहता है ग्राउंड, काइंडली परमिट अस टू प्ले फ्रेंडली मैच खेलने की हमें अनुमति दीजिए। आई ऑन द बिहाफ, कि मैं अब जिम्मेदारी लेता हूँ अपनी टीम, मेरी टीम की, अश्योर यू दैट वी विल प्ले इन डिसिप्लिनड वे, अच्छे तरीके से हम लोग जो है गेम को खेलेंगे। आई इन्वाइट यू एंड स्टाफ टू एन्जॉय द मैच, मैच को एन्जॉय करने के लिए मतलब आपको इन्वाइट करता हूँ, साथ साथ जो है थैंकिंग यू योर्स ऑबिडियंटली। तो बच्चों, ये जो है हमारे ईमेल लेटर जो है वो तैयार हो गए हैं, आगे हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, आप इन सबको तैयार कीजिए। तब तक बच्चों, गुड डे, गुड बाय।